Hello friends, I welcome all of you from the Hariyar Teachers Academy group. Today we will discuss the top 10 selected question which is taken from the heredity and environment topic. तो दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं जो आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट टॉपिक से लिया गया है, यानी अनुवांशिकता एवं वातावरण टॉपिक से लिया गया है। तो दोस्तों सीटेट का जो ऑफिशियल आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक 3 है वो टॉपिक आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, यानी अनुवांशिकता एवं वातावरण, उससे टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल पे नए, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इस टॉप 10 क्वेश्चन से आपका पूरे प्रिपरेशन का पता चलेगा कि CDP में आपने क्या पढ़ा, क्या छोड़ दिया, कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और किस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन अराइज होता है, ये आपको अभी जस्ट पता लगने वाला है। तो दोस्तों टेस्ट को अंत तक अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको क्या है कि क्वेश्चंस के लेवल का पता चलेगा और आपके लर्निंग के लेवल का पता चलेगा कि कहां तक आप सीख गए हैं। तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, चलिए एंसर करना है आप लोगों को। तब तक हम कुछ कलर चेंज कर लिए हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन है कि अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। जी बिल्कुल होता है। तो ये जो होता है अनुवांशिक गुणों का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, वो किनके फलस्वरूप होता है? सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से, माता एवं पिता दोनों से, माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। देखिएगा यहाँ पे आपका दो ऑप्शन तो पूर्ण रूप से गलत है, ऑप्शन एक और दो। तो यहाँ पे मात्र आपका बचता है दो ऑप्शन और इसमें आपको चूज करना है। तो एक है आंशिक रूप से सही और एक है पूर्ण रूप से सही। सीटेट का मेन विशेषता यही है कि आपको जो ऑप्शन देगा दो को कट करिए, बचेगा दो, उसमें आपको कन्फ्यूज हो जाना है। 100% आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप लोग को जो सही लगता है वो टिक करते हैं, लेकिन आपको जो सही लगेगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि जो सीटेट का जो ऑफिशियल जो NCERT है उसी से क्वेश्चन अराइज करता है, उसमें जो दिया गया है। तो सीटेट के NCERT बुक 11th 12th का जो साइकोलॉजी है उसके नोट्स से हम आप लोगों को और अपना एक्सपीरियंस शेयर करके पढ़ा चुके हैं कि अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो होता है वो माता पिता एवं उनके पूर्वजों के जीन्स के द्वारा होता है, और इसी जीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, वंशानुक्रम, हेरिडिटी बोलिए या अनुवांशिकता बोलिए। तो जितने भी स्टूडेंट जो है आपका ऑप्शन नंबर डी की तरफ गए हैं, यानी डी को कलेक्ट किए हैं, डी को टिक किए हैं, बिल्कुल सही किए हैं। अब एक एग्जांपल हम आपको देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मान लीजिए कि आपके माता पिता को कोई रोग नहीं है, ठीक है, आप में भी कोई रोग नहीं है, लेकिन आपके जो बच्चे होंगे उनमें अगर कोई रोग हो जाता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके माता पिता में नहीं था तो आपके संतान में नहीं होगा। हो सकता है कि आपके दादाजी में रहा होगा, तो ये जो लक्षण है एक न एक समय बाहर प्रकट हो ही जाती है, कुछ न कुछ अपना लक्षण दिखाई देता है हेरिडिटी। तो यही है कि जो भी गुण स्थानांतरण होता है वो माता पिता के साथ साथ उनके अन्य पूर्वजों नाना नानी से भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जीन्स का। तो ये सभी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में सही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये थॉट है, एक मनोवैज्ञानिक का थॉट है जो हम आप लोगों को बतलाए हैं कि यहाँ पे इसका कीवर्ड क्या है। कीवर्ड है कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषता का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण जो है अनुवांशिकता कहलाता है। तो यह अनुवांशिकता के संदर्भ में कौन से विचारक का कथन है? जो शारीरिक एवं मानसिक विशेषता जो है आपका जो है फिजिकल स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर जो है आपके माता पिता के गुण से मैच हो रहा है, तो ये इसको हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं। और इसी गुण को एक फिलोसफर है, एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने भी इसी गुण को अनुवांशिकता कहा है, हेरिडिटी कहा है। तो देखिए पीटरसन नहीं बोले, ठीक है, आपका अब्राहम मैस्लो मांग पूर्ति का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत दिए हैं, आवश्यकता पदानुकरण का सिद्धांत दिए हैं, तो आपका दो ऑप्शन कट। अब आपके सामने है ऑप्शन सी और डी, यानी जेम्स ड्रेवर और वुडवर्थ। वुडवर्थ तो वुडवर्थ नहीं दिए हैं। ये जो मानसिक विशेषता
का जो गुण आपको अपने परिलक्षित होता है, शारीरिक गुण जो आप में दिख रहा है, ये माता पिता के जीन के द्वारा जीन से ट्रांसप्लांट होकर के आप में आया है। तो ये कथन आपका जेम्स ड्रेवर का बोला गया है। जेम्स ड्रेवर इनका कथन हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो जितना भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी की तरफ गए होंगे उनका सही था। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेंगे और टेस्ट को अंत तक अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि मुश्किल से 15 मिनट हम लेते हैं 10 क्वेश्चन में, वो भी अब अगर हम चाहेंगे तो 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करा देंगे केवल आंसर बता करके, तो उससे आपका जो है क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम सभी चीज को समझाते हुए चलते हैं। चलिए अब आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिखेगा। इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। देखिए बालक के विकास में प्रमुख रूप से दो कारक का भूमिका होता है, एक है अनुवांशिकता और एक है वातावरण। तो यहाँ पे केवल अनुवांशिकता के बारे में पूछ रहा है कि मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक क्या है। देखिए चिंतन पैटर्न यानी आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, ये आपका वातावरण का प्रभाव है। यानी आपके सामने जैसा सिचुएशन होगा बाय रूप में उस प्रकार से आप सोचिएगा। फिर समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति, देखिए आप अपने समकक्ष यानी क्लासमेट के साथ जो ग्रुप बनाइएगा तो ये आपका एनवायरमेंट है, ये आपका हेरिडिटी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत। सामाजिक गतिविधि में भागीदारी, तो देखिए आप जन्म के बाद समाज में आए हैं तो यहाँ पे भी आपका हेरिडिटी नहीं है, यहाँ पे आपका बाह्य कारक है। बाह्य कारक यानी बाहरी वातावरण। वातावरण का दो प्रकार है, एक आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण जब बालक गर्भावस्था के दौरान होता है और बाह्य वातावरण जब बालक जन्म के बाद सिक्का जो वातावरण होता है उसे बाह्य वातावरण कहा गया है। तो तीन स्टेज हमारा वातावरण से संबंधित था। और क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से अनुवांशिकता यानी आपकी आंखों का जो रंग होगा, जैसे किसी की आंखों का रंग थोड़ा व्हाइट होता है, ब्राउन टाइप का, भूरा टाइप का होता है, जिसे आप लोग जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ऐश्वर्या राय, ठीक है, ऐश्वर्या राय का जो थोड़ा आँख है वो थोड़ा सा उजला टाइप का है, ठीक है, और हम लोग का आइज जो है आंख जो है ब्लैक है, ठीक है। तो ये जो आंखों का रंग है ये अनुवांशिकता का कारक है, आपके आंखों का रंग, ठीक है, ये सभी जो है। फिर आपके शरीर का रंग, इसमें हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता का प्रभाव अधिकतर देखने को मिलेगा। और शरीर का रंग तो आपको वातावरण पे भी प्रभावित करता है, वातावरण भी, कि अगर इंग्लैंड के बालक को अगर श्रीलंका या वेस्टइंडीज में रख दिया जाए तो वहाँ पे वो ब्लैक हो ही जाएगा, लेकिन आँख के रंग में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं आने वाला है। और यह आपका हेरिडिटी से संबंधित है यानी अनुवांशिकता से संबंधित है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में किसी न किसी एक बालक का आँख हो गया होगा माता पिता से भिन्न प्रकार का, तो ये हेरिडिटी से ही रिलेटेड है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे, आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन है माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण को क्या कहते हैं। यानी आप लोगों को जो गुण आपके माता पिता से प्राप्त हुआ है उसे क्या कहिएगा। आप अगर किसी काम को गलत तरीके से करते हैं तो समाज में क्या कहता है कि इसका सभी लक्षण जो है, इसका जितना भी आप लक्षण देख रहे हैं व्यवहार, ये सभी इसके माता पिता से मैचेबल है, यानी इसका वंश ही ऐसा है, वंशानुक्रम। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही है। यानी माता पिता से संतानों में प्राप्त होने वाले गुण को क्या बोलते हैं, जो जीन से ट्रांसप्लांट होते हैं, जीन जो हस्तांतरण होता है माता पिता के अभिक्रिया के दौरान जो हम लोगों का जन्म होता है, तो जन्म के पश्चात और गर्भ के दौरान, इस दोनों में जो जब हम लोग गर्भावस्था के दौरान होते हैं तो वहाँ पे हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों काम करता है। तो खास करके वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट आपका हेरिडिटी का होता है, अनुवांशिकता का। तो क्वेश्चन था डायरेक्ट कि माता पिता संतान में प्राप्त होने वाला गुण, यहाँ पे इन्वायरमेंट का नहीं है, यहाँ पे केवल है माता पिता यानी मदर फादर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अनुवांशिकता यानी वंशानुक्रम ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, ध्यान से आंसर करना है गाइस, चलिए आंसर कीजिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। हम 5th क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस सेशन में, सेशन को एंड तक अटेम्प्ट करें और अपने तैयारी को जांचें। जो क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे अगर अच्छा लगता है तो, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि अब आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ऐसे तो अभी सभी टॉपिक पे क्लास चल ही रहा है। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर अनुवांशिकता का प्रभाव है। यानी बच्चे के किस प्रभाव को देख करके कहिएगा कि इसका हेरिडिटी का इफेक्ट है,
तो उसका विशिष्ट शारीरिक लक्षण, यानी वो अपने शरीर का विशिष्ट प्रदर्शन आपके सामने कर रहा है, तो उसका अनुवांशिकता से संबंधित है। विशिष्ट बुद्धि यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, ये भी उसका अनुवांशिकता से संबंधित है। अब चरित्र तो आप लोग जानते हुए जानते हैं, नेचर, चरित्र के बारे में, नेचर और नर्चर जो होता है, एक नेचर प्रकृति और नर्चर जिसे अनुवांशिकता कहा गया है। तो यही ऑप्शन नंबर ए बी सी, जिस ऑप्शन में ये तीनों मिले उसे टिक करना है। तो ये इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जितना भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी की तरफ गए हैं बिल्कुल सही की तरफ गए हैं। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा गाइस, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपको एक लाइक करने में तो समय नहीं लगेगा, शेयर करने में भी समय नहीं लगेगा, तो आप इतना हमारे लिए कर सकते हैं, हम आपसे यही आशा करेंगे। चलिए चलते हैं 6th नंबर क्वेश्चन पे, यानी आज के सेशन का 6th क्वेश्चन। अनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर क्या है बताइए। अनुवांशिकता तथा वातावरण एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सहयोगी है। यानी बालकों के विकास में अनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण का भी प्रमुख भूमिका होता है कि किसी बालक को बहुत अच्छा जीन मिला, ठीक है, बहुत अच्छा है, उसका वंश संस्कार बहुत अच्छा है, लेकिन उसका अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं हुआ तो उस पर उसका अनुवांशिकता का प्रभाव बहुत कम दिखेगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव उस पर वातावरण का दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर तीनों सही है, यानी ए बी सी जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। गाइस एक बार ध्यान में सुन लीजिए, ध्यान से रख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे आता है कि बालकों के विकास में अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव है 50-50%। तो 50-50% या 20-80-10-90 अगर इस प्रकार का रहता है, संख्यावाचक शब्दों में रहता है, तो उसको कट करना है, क्योंकि ये अभी तक क्लियरिफाई नहीं हुआ है और क्लियरिफाई होगा भी नहीं, क्योंकि जिसका इफेक्ट ज़्यादा होगा उसका ही प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, जिसका गुण मजबूत होगा, जिसका जिसमें ज़्यादा क्षमता होगा, जिसपे ज़्यादा समय एक्सपेंड होगा, उसी का प्रभाव बालकों में देखने को मिलता है। तो बालकों के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का बराबर योगदान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम 7th नंबर क्वेश्चन, आज के सेशन का 7th क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, ध्यान से आंसर करना है गाइस। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विषय पर अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है, किस पर अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है, देखिए हम आपको बताते हैं। सामाजिक विकास आपका वातावरण से संबंधित है, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट जो है आपका, ये शारीरिक विकास, देखिए सामाजिक विकास का ही एक अंग है आपका संवेगात्मक विकास, और भाषाई विकास आपका संज्ञानात्मक विकास का है, और सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आपका आता है नैतिक विकास, जो विकास के आयाम में हम आप लोगों को बता चुके हैं, जो वीडियो नहीं देखे होंगे वो जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद आपका मानसिक विकास जो है, मेंटल डेवलपमेंट, ये आपका अनुवांशिकता का प्रभाव है। शारीरिक विकास आपका किस प्रकार से हो रहा है, ये अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों का प्रभाव है। यानी आपका ए बी सी डी जो है चारों ऑप्शन सही है। तो चारों ऑप्शन को तो आप टिक नहीं ना कर सकते हैं, आप तो केवल एक ही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं जिससे चारों ऑप्शन का बोध हो जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी, ये ऑप्शन आपका सही है कि बच्चों के विकास में अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, थोड़ा सेशन फास्ट करते हैं क्योंकि 15 मिनट का हम लोगों का टारगेट होता है, 15 से 20 मिनट यानी 15 to 20 मिनट। चलिए आज के सेशन का 8th क्वेश्चन, ध्यान से आंसर करना है। किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है, देखिए जिस ऑप्शन में आपको केवल लगा हुआ मिले उसको कट कर दीजिएगा, केवल लगा हुए लगा मिले, पाठ पुस्तक मिले, रटना मिले, कठिन मिले, विशिष्ट मिले, अनुशासन मिले, वो सभी ऑप्शनों को आपको कट कर देना है। तो केवल वाला गलत, केवल वाला ये दोनों गलत, माता एवं पिता दोनों के डीएनए से, न तो माता और न ही पिता, ये भी ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन नंबर सी सही है, सी की तरफ जितने भी गए हैं सही गए हैं। अब हम आपको बतलाएंगे कि सी सही है तो क्यों है और ए बी डी गलत क्यों है तो क्यों है। देखिए हमारा और आपका जो शारीरिक लक्षण दिखता है वो केवल माता पिता के डीएनए से नहीं, और केवल पिता के डीएनए से नहीं, माता एवं पिता दोनों के डीएनए से होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है deoxyribonucleic acid, नोट कर लीजिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म होता है deoxyribonucleic acid, ठीक है, डीएनए नोट कर लिए होंगे, deoxyribonucleic acid, ये आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है। और 12th के साइकोलॉजी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये तो बात हम आप लोगों को हमेशा बताते हैं। तो 8th नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी जितना भी स्टूडेंट किए हैं सभी का सही है। चलिए चलते हैं आज के सेशन का 2nd लास्ट क्वेश्चन यानी 9th नंबर क्वेश्चन।
बालक के संपूर्ण व्यवहार की, एक सेकेंड गाइस छोटा छोटा चलिए, बालक के संपूर्ण व्यवहार की दृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होती है, यानी उसका जो व्यवहार है, बालक का जो बिहेव है वो किसके अंतःक्रिया के फलस्वरूप है, यही आपका क्वेश्चन है। देखिए माता पिता के व्यवहार तो ये तो केवल आपका एक आ जाता है, उसके मित्रों एवं भाई बहन का व्यवहार इसमें भी अब ध्यान से अंतर करना है। देखिए बालक का संपूर्ण व्यवहार जो है अनुवांशिकता एवं वातावरण के बीच अंतःक्रिया है। देखिए अनुवांशिकता के अंतर्गत आपका माता पिता सभी आ जाएगा, वातावरण के अंतर्गत आपका जितना भी बाह्य कारक है सभी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जितना भी स्टूडेंट गए हैं सभी का सही है, 9th नंबर का आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, यानी आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां डैश से प्राप्त होती है उसका डैश में विकास होता है, बताइए किससे प्राप्त होता है और किस में विकास होता है, जल्द से जल्द आंसर कीजिए। देखिए वातावरण से प्राप्त नहीं होता है, वंशानुक्रम से प्राप्त होता है और वातावरण में उसका विकास होता है, यानी आप अपने गर्भा माँ के गर्भ के दौरान उनमें उनसे जो कुछ मूल प्रवृत्तियां प्राप्त किए हैं उसका विकास आपका कहाँ होगा, जन्म के बाद होगा, वातावरण में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बताइए मैराथन की तरह हमने यह सेशन फास्ट तरीके से किया है और मात्र 16 मिनट में ही मैंने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया दोस्तों, और वो भी पूर्ण व्याख्या के साथ, तो आप लोगों को कभी भी कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो टीचर्स एकेडमी यहाँ पे हम आप लोगों को लिख दे रहे हैं, आपको टीचर्स एकेडमी ग्रुप, आज थोड़ा हम थंबनेल बनाना भूल गए दोस्तों, तो इसमें लगा दिया जाएगा टीचर्स एकेडमी ग्रुप। अगर आपको ये सर्च करने में कठिनाई होती है टीचर्स एकेडमी ग्रुप, तो करना कुछ नहीं है, यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे लिखिए हरियोत सर, HERIEUDH, जैसे ही आप हरियोत सर सर्च कीजिएगा हम आपको मिल जाएंगे, यानी हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया, सभी स्टूडेंट जो है लाइक करके जाएंगे और अपने नए फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके और वो भी इस चैनल के माध्यम से अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। धन्यवाद दोस्तों।